खतरों के खिलाड़ी मेरे हिसाब से 100% मुंबई आओ। मैं दिखा देता हूँ साफ। हाँ देखो भाई अजगर है वो भाई। चलो 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 भाई चलो। वो अजगर है तो हमारे पास हाथी है। हमारा कुछ फिक्स नहीं था। सुबह कॉल आया निकल गए ऐसे ही दो चार लोग को। जिसने कॉल उठाया वो आ गए, जिसने कॉल नहीं उठाया सुबह सुबह 4:30 बजे मेरे को तो रात को कॉल आया था। गाड़ी इसकी थी ना इसलिए रात को कॉल आया था। बाकी जिसने कॉल उठाया वो लोग आ गए, जिसने कॉल नहीं उठाया वो घर पे हमारे स्नैप देख के जल रहे। अभी लगी हमको भूख, अभी हम खाएंगे व्हील्स 5 रुपए वाला। चटाका पटाका छोटे थे मम्मी पापा के साथ ऐसे कहीं पे भी घूमने जाते थे तब चटाका पटाका फर्स्ट प्रायोरिटी रहता था बच्चे लोग का, हमारे लोग का। वो भी ऐसे एक 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 करके खाते थे कि जल्दी खत्म ना हो जाए। तो पूरा गांव है इसलिए कुछ मिल नहीं रहा तो हमने पैकेट ले लिए थे व्हील्स। अलग ही इसका चल रहा है, गाड़ी में सोने का, बाहर निकल के खाने का, कुछ एंजॉय नहीं। आपको बोला ना ये लोग मत लाओ, निकल घर पे निकल। ऐसे मत चिल्लाओ, बच्चे को बच्चे डर जाते। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें। ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं अपने होने। ओके तो अभी हम निकल चुके हैं। कोई नई जगह एक्सप्लोर करने से पहले हमने सोचा कि पेट पूजा कर लेते हैं, तो अभी पेट पूजा करेंगे। यहाँ पे भी हमारी उड़खान है। और वो जो मेन जगह है उसका क्या है भाई? वो 4 बजे के बाद खुलेगा। अच्छा, मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ उसमें होने वाला है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट आने वाला है ऐसा लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, आपको दिखाता रहूंगा ऐसे ही। तो अब हम पहुंच गए हैं खाने। बहुत भूख लगी है, बहुत खतरनाक भूख लगी और मस्त एक झपकी भी मार ली। अभी शांति से बैठ के खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, फिर वापस हम एक्सप्लोर करने निकलेंगे। आज बैरागिज जैसे फीलिंग आ रही है, नई नई जगह एक्सप्लोर। इसको सैल्यूट है। हाँ ऐसी जगह घूमता हूँ। टायर्ड से हो गए हम। टायर अपनी चैनल का प्रमोशन आया। चलो चलो प्रैंक स्टार्ट। प्रैंक चुकी होगी, वीडियो देख रहे हो तब तक तो आ चुकी होगी। तो नीचे लिंक दी हुई है, सब्सक्राइब कर लो, क्लिक कर लो। अच्छे अच्छे प्रैंक अंदर है, ऑलरेडी एक प्रैंक डाल दिया है और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रैंक आएंगे, लाने वाले हैं, बहुत खतरनाक कुछ नया आएंगे वीडियो पे मचाने के लिए। तो अब हमने एकदम दबा के खाना खा लिया है, पता नहीं कहाँ जाने का है कहाँ नहीं। एकदम मस्त मूड हो गए, फ्रेश हो गए, अभी किधर जाना है। क्योंकि अभी अभी खबर मिली है कि जहाँ जाने का था वहाँ पे शायद बंद है संडे के कारण, संडे यानी COVID-19 के कारण। तो साला टेंशन मतलब अंदर है ब्लॉक में और है, टेंशन मतलब सब है, तो वो तो अभी देखते हैं सब। लेकिन बहुत दबा के खा लिया है, पता नहीं अभी गाड़ी में बैठ के ही नींद आने वाली ऐसा लग रहा है। भाई तुम मत सुना, ड्राइविंग करते करते सो जाना है। यहाँ पे हम अभी किसी के घर पे आए हैं, वो लालू है ना, लालू इनके गांव, इनका मामा का घर है यहाँ पे। बहुत टाइम बाद आए ऐसे बोल रहे हैं, 3 साल बाद ऐसा लग रहा है बहुत खातिरदारी होगी हमारी, क्या बोलते हो है ना। यहाँ पे हमको एक यहाँ पे हमको एक फार्म मिल गया, फार्म मिल गया है रहने के लिए, एकदम टेरेस जिंदगी, फोटोशूट। ये है आम जिंदगी।
नेम्पी ने नाम से बात नेमड़ी गुड इवनिंग गाइस। तो अभी हम फ्रेश हो चुके हैं एकदम मस्त, और यहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है, वहाँ पे जा रहे हैं। सनसेट होने में तो टाइम लगेगा, तो वो तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उससे पहले हम निकल जाएंगे, लेकिन देखते हैं यहाँ पे कैसा क्या मिलता है। और भाई लेफ्ट लेफ्ट, और जहाँ पे मेन ये लोग जो सुबह से बोल रहे थे कि यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, जाना है, जाना है, तो वहाँ पे कोविड 19 की वजह से बंद है। लेकिन कोई नहीं, हमने तो बहुत अच्छा एंजॉय करी, बहुत मजा आया। अच्छा मिलेगा ऐसा लग रहा है, देखते है। तो ये व्यू हमको हैवी मिला है, आपको दिखाता हूँ। जाते हैं उधर, देखते हैं कपल वपल बैठे उधर, तो अपना तो कुछ काम नहीं है, कपल हैरान करते हैं ना उधर उधर जाके भाव भाव चीज कर दे। अरे ओ भाई उतरेंगे, एडवेंचर करेंगे। ये एपिसोड कैसी लग रही है, मैंने कल ही बाय की है सारा में। ओ भाई टी शर्ट नहीं ली है नहीं है भाई। हाय बोलो, हाय राजू बोखला है, राजू बोखला भाई। देखो सब बोलते बाहर जाना है, यहाँ जाना है, दुबई जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, कनाडा जाना है, लेकिन असली जन्नत इधर ही है, अपने 100 किलोमीटर दूर। तो अभी तक हम सोच रहे थे घर पे चले जाते हैं क्योंकि अभी कुछ है नहीं है, लेकिन अब लोकेशन देख के यार जुनून आ गया अंदर। आराम करने के बाद एकदम आलस आ गई थी, अब एकदम जुनून आ गया। लोकेशन देख के ये प्लेस ही ऐसी है, फिर से हम यहाँ पे आने वाले हैं, और यहाँ पे बहुत सारी जगह है, बहुत सारी, इतनी अच्छी प्लेस है, और ये लोग ऐसा कर देते थे। अच्छी प्लेस है ना, लेकिन लोगों ने इनको भी गंदा किया है, कचरा वचरा फेंक दिया, कचरा वचरा मत फेंका करो। खतरों के खिलाड़ी उसकी फट रही है, मेरी नहीं फट रही। यहाँ पे हमको नए फ्रेंड्स मिले हैं, तो हम उनको मिलने के लिए रुक गए हैं। तो जैसे आपको पता है मैं बहुत बड़ा एनिमल लवर हूँ, एनिमल्स को देख के मैं थोड़ा वो हो जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ, उनको मिलने का मन करता है। तो यहाँ पे तो देखो आपको दिखाता हूँ बहुत जबरदस्त सी। हेलो राजेश, रामू, चेतन, केतन, गुड बॉय, कैच कैच,
यहाँ पे बंदर के साथ सफर बहुत अच्छा रहा। कपल लोग देखना यार। हाय चेक कर रहा है कि खाना लायक है कि नहीं। ओए सलमान ओए ओए आजकल के इन्फ्लुएंसर ऐसे जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक का बटन है और मोटिवेट कीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं लाता रहूंगा। और ये मैं जो जगह पे गया था वो गुजरात के पास से, गुजरात से 130 किलोमीटर दूर है डांग। बहुत ही अच्छी प्लेस है गाइस। हम तो ज्यादा विजिट नहीं कर पाए क्योंकि संडे के दिन वहाँ पे कोविड-19 के कारण सब प्ले जो घूमने लायक जगह है वो बंद रहती है। ये सब तो साइट सीन, और साइट सीन इतने अच्छे हैं तो मेन पॉइंट कितने अच्छे होंगे। तो जाइए आप भी माइंड फ्रेश करके आइए, और अगर आप यहाँ इतने दूर नहीं आ सकते तो मेरे व्लॉग देखते रहिए। तो सब्सक्राइब कर दो, जो लोग भी नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दो, हमें 50 के जल्दी पहुंचना है इंस्टा पे भी और यहाँ पे भी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।